इसराइल वाले इशू पर। मैं जीडी बख्शी सर से भी एक रिएक्शन जरूर लूंगा। सीधे जरा बिग बॉल दिखाएं यहां पर और इसराइल की खबर। हिटलर पर हंगामा, रूस पर भड़का इसराइल। यहां पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हिटलर को लेकर दिए गए बयान पर इसराइल ने कड़ी नाराजगी जताई है। चेंज बीबीसी के हवाले से खबर है और मैं चाहूंगा यहां से इस ब्लॉक को जूम इन करें। इसराइल ने लावरोव के बयान को लेकर रूस के राजदूत को तलब कर विरोध जताया। नफ्ताली बेनेट ने नाराजगी जता दी है, उनके प्रधानमंत्री ने नाराजगी जता दी है। इसराइल ने रूस से अपने विदेश मंत्री के बयान के लिए माफी मांगने के लिए कहा है, नेक्स्ट चेंज करें। बड़ा तेजी से वो ये कहा, इसराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि यह बयान अक्षम्य, अपमानजनक और ऐतिहासिक गलती है, नेक्स्ट चेंज करें। लावरोव ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि हिटलर भी यहूदी था और अपने ही नरसंहार में शामिल थे। लावरोव ने कहा था कि हिटलर और ज़ेलेंस्की दोनों नाज़ी हैं, फुल फ्रेम पे वॉल दिखाएं, और उनमें यहूदी खून है। लावरोव के इस बयान पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस नाज़ी अपराधों के लिए यहूदियों को दोषी समझता है। मैं सीधे चलूंगा जल्द जीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, मेरा एक बड़ा सवाल यह है, जब अब्रामोविच रूस के ओलिगार जिनके ऊपर जो चेल्सी क्लब के ओनर थे उनको कहीं पर जगह नहीं मिल रही थी, वो भागे भागे फिर रहे थे, तो तेल अवीव में जाकर उन्होंने अपनी यॉट पार्क की और तेल अवीव में जाकर वो रुके। इसराइल ने एक ऐसी कंट्री है जो अभी तक सैंक्शंस नहीं लगाए, बावजूद इसके कि डीनाज़िफिकेशन ये बार बार कह रहे हैं उस जगह का, जिसका खुद जो राष्ट्रपति है वो एक ज्यू है। इसराइल इस चीज को सिर्फ जुबानी जंग के तौर पर ले रहा है और इज इट समथिंग सीरियस? देखिए, आप अगर इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो यूक्रेन में ज्यूज के खिलाफ नाजियों ने बहुत अत्याचार किए थे। यहां तक ये भी खबर है कि वो खुश नहीं थे कि ज़ेलेंस्की वहां प्रेसिडेंट बन रहे हैं, कि उनको लग रहा था कि कहीं ज्यूज के खिलाफ फिर ये प्रोग्राम्स वगैरह ना ट्रिगर करे। इसलिए जो इसराइल है बिल्कुल तटस्थ नीति अडॉप्ट कर रहा था यूक्रेन रूस के युद्ध में, और वो तो पीस टॉक्स भी दोनों के बीच में कराने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो बयान दिया है लावरोव साहब ने, ये इसके चलते दिया है कि साहब हम डीनाज़िफिकेशन करने वहाँ गए, तो लोगों ने बोला साहब वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो तो यहूदी है, वो तो ज्यू है। तो इस तंज पे उन्होंने कहा कि भाई, कहा जाता है कि हिटलर के भी जो पूर्वजों में कोई ज्यूइश खून था वगैरह वगैरह। तो ये सब मेरे ख्याल अननेसेसरी बयान था, क्योंकि अभी तक इसराइल तो बिल्कुल तटस्थ था इस युद्ध के अंदर, और मेरे ख्याल वो भी इससे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका जो स्टेटेड एम रहा है इस युद्ध में वो दो हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम कहीं में तख्ता पलट करेंगे, हम रेजिम चेंज करेंगे। जो स्टेटेड वॉर एम्स थे रशिया के दो थे, डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन एंड डीनाज़िफिकेशन ऑफ यूक्रेन। तो डीनाज़िफिकेशन मतलब वो चुन चुन कर आज़ाद जैसे पलटने, जो कि बिल्कुल आपसे टीवी पर किसी की हिम्मत नहीं होती और ना लाइटर नोट सवाल पूछने की, लेकिन मैं ये गुस्ताखी करूंगा। डीमिलिटराइजेशन की जगह वेस्टर्न वेपनाइजेशन हो गया यूक्रेन का। देखिए, मैं ज्यादा इस पे जो है इसको मैं ज्यादा तूल नहीं दूंगा। ओके, क्योंकि जो अभी तक वेपन्स दिए गए हैं यूक्रेन को वो हैं आपके स्टिंगर शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल्स, और दूसरे हैं जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स। इनसे जरूर रूसी टैंकों पे नुकसान हुआ है, लेकिन ये जो बड़ी सारी प्रोपेगेंडा हो रही है कि तहस नहस कर दी रूस की फौज, ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है। यूक्रेन के खुद के जो एक सीनियर जनरल हैं उन्होंने कहा है साहब कि सारा क्रेडिट जेवलिन को दिया जा रहा है, असली में रोका है टैंकों को हमारे तोपखाने ने, तोपें रोकती हैं टैंकों को साहब, ये हम सब फौजी जानते हैं। बाकी सेल्स प्रमोशन के लिए और हम इस पर यकीन करते हैं जो आप कह रहे हैं, आई टोटली बाय ओपिनियन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।